असलमकुम ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट वन डियर नॉलेज की तरफ से Uh, हमने लेसन वन लेसन टू को तो कंप्लीट कर ही लिया था पिछली वीडियो में फिर मैंने लेसन थ्री का पार्ट वन डिस्कस किया और पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था स्पेशल परसेप्शन जिसमें हमने डिस्कस किया था परसेप्शन ऑफ डेप्थ एंड डिस्टेंस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं इन केस अगर मैं भूल गई हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिमाइंड कर सकते हैं इसके अलावा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट टू लेसन थ्री का जो कि है टेम्पोरल परसेप्शन जिसको आम अल्फाज में या कहीं पर जो नॉर्मल ये आपको ये परसेप्शन ऑफ टाइम के नाम से भी सुनने को मिलेगा टेम्पोरल परसेप्शन यानी कि परसेप्शन ऑफ टाइम इसमें क्या है हम ड्यूरेशन ऑफ़ टाइम को मैयर करते हैं या ड्यूरेशन ऑफ टाइम को हम परसीव करते हैं टेम्पोरल uh, सीकवेंसेज होते हैं इसके अंदर और इंटरवल्स होते हैं इसके अंदर और हमारा क्या इंक्लूड होता है मेमोरीज ऑफ़ द पास्ट यानी कि पास्ट से रिलेटेड हमारी जो मेमोरीज हैं हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस हैं वो भी टेम्पोरल परसेप्शन में रोल प्ले करती हैं इवेंट्स ऑफ द प्रजेंट और ओरिएशन टूवर्ड्स फ्यूचर ये चीज़ें जो हैं वो टेम्पोरल परसेप्शन में इंक्लूडेड होती हैं इसके अलावा फिर कुछ फैक्टर्स हैं जो कि टेम्पोरल परसेप्शन या परसेप्शन ऑफ टाइम को अफेक्ट करती है यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से हम टाइम को डिफरेंटली परसीव करते हैं या तो हम फिर इस तरह परसीव करते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तो उसके वो भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम जो है टाइम को बहुत लंबा परसीव करते हैं या फिर हम उसको बहुत ही शॉर्ट परसीव करते हैं अब परसेप्शन ऑफ टाइम में होता क्या है कि नॉर्मली जब आपने ऑब्ज़र्व किया हो कि कभी कभी इस तरह होता है कि वक्त गुजर ही नहीं रहा होता और कभी कभी इस तरह होता है कि एकदम से वक्त गुजर जाता है एकदम से टाइम जो है वो गुजर जाता है अब इसी चीज़ को इन लोगों ने जो है डिटेल से उसको फिर उसके ऊपर रिसर्चिज हुई उसको डिस्कस किया गया परसेप्शन ऑफ टाइम इनके टेम्पोरल परसप्शनों से फिर अंदाजा हुआ कि हम टाइम को डिफरेंटली परसीव करते हैं जब हमें लगता है कि वक्त जल्दी नहीं गुजर रहा तो उसकी भी कुछ वजूहत होती है कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जब वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है तो उसके भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें यूँ लगता है जिसमें एक फैक्टर है एज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द परसीवर और drugs, उसके बाद दूसरा फैक्टर है मोटिवेशन तीसरा फैक्टर है ड्रग्स उसके बाद कुछ और फैक्टर्स हैं जैसे लेंथ ऑफ द टाइम इंटरवल और लास्ट में जो है वह है स्टिमुलस कैरेक्टरिस्टिक्स अब नाम से ही आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं एज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द परसीवर अब एज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द परसीवर जो है इसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी आते हैं हर एक इंडिविजुअली जो है वो टाइम को डिफरेंटली परसीव करता है इसके अंदर एक परसीवर परसीवर कौन होता है जो बंदा परसेप्शन फॉर्म करता है किसी चीज़ को परसीव करता है उसको परसीवर कहते हैं अब परसीवर के एज और एक्सपीरियंसेस भी इंक्लूड है जिस पहली वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि परसेप्शन परसेप्शन ऑफ़ टाइम में जो है हमारे मेमोरीज ऑफ द पास्ट होते हैं इवेंट्स ऑफ़ द प्रेजेंट होते हैं और ओरिएंटेशन टुवर्ड्स फ्यूचर हमारे जो इसका इन्वॉल्व होते हैं अब एक्सपीरियंस में हमारा क्या है मेमोरीज ऑफ द पास्ट हमारा क्या एक्सपीरियंस है एक जीज़, एक जीज़ के साथ जिसके बेस पे हम परसेप्शन फॉर्म करें और एज में ये भी आता है कि नॉर्मली आपने सुना कि जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं जो बूढ़े हो जाते हैं उनके लिए टाइम जो है वो बहुत स्लो गुजर होते हैं और जो इनर्जेटिक लोग होते हैं जो जवान लोग होते हैं ये इस्पेशली जो बच्चे होते हैं उनके लिए टाइम बहुत जल्दी जो है गुजर रहा होता है यानी कि जो बुज़ुर्ग होते हैं जो बूढ़े होते हैं उनके लिए टाइम बहुत स्लो गुजर रहा होता है और जो जवान होते हैं या बच्चे होते हैं उनके लिए टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है जिस तरह बच्चे होते हैं अक्सर वो कहते हैं कि हम जब होमवर्क लिख रहे होते हैं तो जो टाइम होता है वो बहुत स्लो जा रहा होता है और जब हम खेल रहे होते हैं तो टाइम होता तो है वो एकदम से गुजर जाते हैं तो इसमें हमारी एज भी आती है और इसके अंदर हमारी एक्सपीरियंसिस भी आती हैं अब इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे और आपको थोड़ा और भी जो है आपको पता चल जाएगा कि एक ही एक्टिविटी में जब आप टाइम को परसीव करते हैं उसके अंदर आपके कितने कितने फैक्टर्स जो हैं वो रोल प्ले कर रहे होते हैं इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया था एस प्रंजर्स ने 1952 में उन्होंने एटी नाइन चिल्ड्रंस पर एक्सपेरिमेंट किया जिनकी एज थी फ़ोर टू तो सिक्स इयर्स ओल्ड और वो इसी एज और एक्सपीरियंस के बेस पे की थी अब उन्होंने उनको उन्हों जो, जो जिन बच्चों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उनको क्या बताया था कि उन्होंने टाइम को परसीव करना है घड़ी को देखने और घड़ी के जो बाजू हैं उसको देखना है कि कौन सा बाजू जो है वो कहाँ पर खड़ा है और उनको फिर एक टाइम दिया कि आपने इस टाइम को परसीव करना है अब जो कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चों ने निकाली बिल्कुल एक ओवर दे रही हूँ मैं एक्सपेरिमेंट का कि जो बच्चों ने जो कॉमन मिस्टेक्स निकाले तो वो ट्वेल्व थर्टी को बताने के बजाय उन्होंने सिक्स ओ जो है बताया अब जब उनसे पूछा किया कि ऐसा क्यों तो उन्होंने कहा कि सिक्स ओ उनका फेवरेट रेडियो प्रोग्राम लगता है 1952 के ज़माने की एक्सपेरिमेंट जाहिर उस ज़माने में रेडियो ही आम होता था तो सिक्स ओ उनका रेडियो जो प्रोग्राम था फेवरेट रेडियो प्रोग्राम वो लगता था और उसका टाइम जो है या उस टाइम का अंदाज़ा वो किस तरह लगाते थे कि जब छः बज जाते थे होते थे तो ये जो, जो दोनों आर्म्स है, दोनों हैंड्स जो हैं, जो क्लॉक के जो दो सुइया होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती थी अप साइड एंड डाउन इस तरह होते हैं ना कि एक सुई जो है वो बारह बजे पे होगी और एक जो है वो छः बजे पे इस तरह और जो ट्वेल्व थर्टी वाला टाइम होता है वो भी इसी तरह इसी तरह होता है कि मतलब एक सुई जो होती है वो ट्वेल्व पे होती है और एक जो है वो सिक्स ओ क्लाक पर होती है क्योंकि वो थर्टी वाला मिनट जो है वो शो करना चाह रही होती है। अब यहाँ पर जो एज एक्सपीरियंस में जो एक्सपेरिमेंट किया गया उन्होंने जो मिस्टेक्स और फिर जब उनसे पूछा गया तो यहाँ पर लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शो किया कि अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उन्होंने ट्वेल्व थर्टी के बजाय जो है वो सिक्स ओ क्लाक परसीव किया अब ये काफ़ी डिटेल जो है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट एक है उसके बाद फिर दूसरी एक एक्सपेरिमेंट हुई कोहन की इन 1964 और अकॉर्डिंग टू तो दैट जो, जो कोहन है उन्होंने क्या कहा है कि परसेप्शन ऑफ अपेरेंट ड्यूरेशन ऑफ वीक्स मंथ एंड ईयर्स ऑल्सो तो वेरीज विद एज ऑफ द सब्जेक्ट जिस तरह मैंने कहा कि एज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द परसीवर में हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आती है उसी बात को कोहन ने 1964 में जो है मतलब इस बात को एक्सप्लेन किया कि जो हमारे परसेप्शन है अपेरेंट इयर्स इसको भी डिफरेंटली परसीव किया जाता है आ, एज के साथ यानी कि हर एक बंदा आ, अपनी एज के मुताबिक जो है वीक्स मंथ और ईयर्स को भी डिफरेंटली परसीव करता है इसके बाद फिर जो नेक्स्ट फैक्टर है इसमें वो है मोटिवेशन Motivation. Me, time spent in monotonous uh, monotonous work is overestimated, and time spent in uh, interesting work is underestimated. और अगर इसको मैं बहुत सिंपल करके एक्सप्लेन करूं तो जब आप कोई बोरिंग काम कर रहे होते हो तो आपको लगता है कि टाइम गुजर ही नहीं रहा आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है उसके ऊपर जब आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम कर रहे होते हैं आप अपना फेवरेट काम कर रहे होते हो आप उसके अंदर बहुत इंजॉय कर रहे होते हो तो वहाँ पर फिर आप क्या करते हो आप और आप टाइम को अंडर एस्टिमेट करते हो और आपको लगता है कि टाइम जो है वो एकदम से गुजर गया है जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी का वेट कर रहे हैं अब वेट करना क्या है वो बहुत बोरिंग काम है वेट करने में आपको लगता है कि टाइम जो है वो गुजर ही नहीं रहा बिल्कुल सुई जो है वो अटकी हुई है फिर फॉर uh, एग्जांपल आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें कोई और आपका जो फेवरेट काम है वो करें तो आपको लगता है कि टाइम एकदम से गुजर गया है यहाँ पर क्या है कि आपकी परसेप्शन ऑफ टाइम या टेम्पोरल परसेप्शन जो है वो डिफ़र कर रही है क्यों क्योंकि आपकी जिस चीज़ में मोटिवेशन ज़्यादा है वहाँ पर आप टाइम को अंडर एस्टिमेट हैं और जहाँ पर आपकी मोटिवेशन कम है यानी कि वहाँ पर आप बोर हो रहे हैं तो वहाँ पर आप टाइम को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं फिर इसके ऊपर एक जो है एक रिसर्च की गई एक्सपेरिमेंट किया गया वे आर्ट फ्रोबर एंड स्टॉक 1949 फोटी नाइन में उन्होंने काम किया है वेरिएशन इन टाइम एस्टिमेशन यानी कि टाइम को जब हम एस्टिमेट करते हैं अंदाज़ा लगाते हैं तो उसके अंदर जो वेरिएशन होती हैं यानी कि उसके अंदर जो डिफ्रेंसिस होती हैं उसको डिस्कस किया अब यहाँ पर अगर आप सामने टेबल को देखें तो इसके अंदर एक्चुअल टाइम इन मिनट्स दिए गए हैं इसमें थर्टी मिनट्स हैं फिफ्टी मिनट्स हैं सेवेंटी मिनट्स हैं नाइन्टी मिनट्स हैं और हंड्रेड मिनट है फिर जब इसकी एस्टिमेशन की गई तब जब लोग थोड़ा सा बोर हो गए थे एक्चुअल टाइम था थर्टी मिनट जब लोग थोड़ा सा बोर हो गए तो उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि कितने मिनट हो चुके होंगे तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ट्वेंटी फाइव मिनट्स हो चुके होंगे अब यहाँ पर उन्होंने एस्टिमेशन की जब वो थोड़े से बोर हो गए होंगे थोड़े से बोर हो गए थे अब जब एस्टिमेशन की जब वो लोग कम्प्लीटली बोर हो गए थे तो उनसे जब पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि कितने मिनट हो चुके होंगे तो उन्होंने कहा कि तीस मिनट हो गए होंगे अंदाज़तन जब वो एस्टिमेशन करते हैं तो उन्होंने कहा कि तीस मिनट हो गए होंगे फिर जब एक्चुअल टाइम को थोड़ा बढ़ाया गया उसको फिफ्टी मिनट्स किया फिर जब एस्टिमेशन लगाएगी जब वो थोड़े से बोर हो गए थे तो उनको कहा कि आपको क्या लगता है कि कितने मिनट हो गए होंगे तो उन्होंने कहा कि फिफ्टी मिनट्स हो गए होंगे फिर जब वो लोग कंप्लीटली बोर हो गए थे तो उन्होंने कहा कि फिफ्टी फाइव मिनट्स अब जब टाइम को मजीदी बढ़ाया गया सैवेंटी मिनट्स किया तो जब स्लाइटली बोर्ड थे तो सैंटी फाइव मिनट्स का और जब कम्प्लीटली बोर्ड थे तो एटी फाइव का और इसी तरह जब टाइम को बढ़ाया गया नाइन्टी मिनट्स किया तो जब स्लाइटली बोर्ड हुए तो उन्होंने हंड्रेड मिनट्स का और जब कम्प्लीटली बोर्ड हुए तो उन्होंने वन हंड्रेड एंड टेन मिनट्स का और इसी तरह जब लास्ट में जिस तरह हंड्रेड मिनट्स टाइम किया मजदीद बढ़ाया गया उन्होंने कहा कि जब स्लाइटली बोर्ड हुए तो उन्होंने कहा कि वन हंड्रेड एंड टेन मिनट्स हुए और जब कम्प्लीटली बोर्ड हुए तो उन्होंने कहा कि 120 मिनट्स हुए अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि जितना टाइम बढ़ रहा है उतना ही उनका जो एस्टिमेशन का जो लेंथ है वो भी बढ़ रहा है चाहे वो स्लाइटली बोर्ड थे या वो कम्प्लीटली बोर्ड थे स्लाइटली बोर्ड थे तो थोड़ा सा जो है वो उसका लेंथ बढ़ा है जब वो कम्प्लीटली बोर्ड हुए हैं तो उनका जो लेंथ है वो थोड़ा सा और ज़्यादा जो टाइम एस्टिमेशन का है वो बढ़ गया है अब यहाँ से इस ओवरऑल टेबल से जो अंदाजा लगाया जा सके या जो एक पॉइंट में बताऊँ ओवरऑल इस एक्सपेरिमेंट को या इस रिसर्च को एक्सप्लेन करने के लिए तो उसमें यही है कि जब टाइम पड़ता है तो उतना ही आप बोर हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल आपका फेवरेट काम ही नहीं हो आप वेट कर रहे हैं और आप जो है थोड़े से अगर बोर हो जाएं तो आपको लगता है कि टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया एक्चुअल टाइम से आप थोड़ा ज़्यादा उसकी एस्टिमेशन कर रहे होते हैं जब आप कंप्लीटली बोर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा जो है आप उसकी वो क्या कहते हैं आप उसकी एस्टिमेशन करते फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी का थर्टी मिनट्स वेट किया है और आप बहुत ज़्यादा बोर हो गए तो आप कहते हैं मैं दो घंटे से वेट कर रहा हूँ अब यहाँ पर क्या है कि आपकी मोटिवेशन वहाँ पर कम हो गई है तो आप टाइम को ओवर एस्टिमेट किए जा रहे हैं फिर एक दूसरी जो हमारी एक ओल्ड सेइंग है इंग्लिश में वास्ट पॉट नेवर बॉयल्स अगर इसको मैं अपने ही कल्चर में ला के डिस्कस करूँ या हम अपने ही जो है लैंग्वेज में इसको डिस्कस करें जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं दे दूँ कि आप जब हम दूध पका रहे होते हैं उस पर नज़र रखी होती है रखी होती है वो बॉयल नहीं होती थोड़ी सी एक सेकंड के लिए भी नज़र हटा ले तो एकदम से सारा दूध गिर जाता है एक फनी भी इसके ऊपर जोक्स काफ़ी बने होते हैं कि जब मैं अपने अपने आंखें जो हैं वो इतने इतने सेकंड्स के लिए बंद करूँ तो बस एकदम से जो है वो दूध गिर जाता है तो यहाँ पर असल में ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन आप वहाँ पर टाइम की ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन करते हैं कि आप जब दूध को देख रहे होते हैं आपको लगता है काफ़ी टाइम हो गया है और जो दूध है वो बॉयल ही नहीं हो रहा और आप जिस तरह अपनी नज़रें हटाते हैं तो आप आपकी मोटिश मोटिवेशन जो है जब आप काम कर रहे थे तो उस वक्त आपकी मोटिवेशन लो थी और जब आप वहां से नजर हटा रहे हैं तो आपकी मोटिवेशन जो है वो थोड़ी हाई हो गई है तो आपको लगता है कि टाइम एकदम से गुजर गया और वो जो दूध है वो उबल के गिर गया तो इसी के ऊपर जो है ए, इन्होंने काम किया और इसी बात को इन्होंने कंफर्म किया और उन्होंने कहा कि हाँ वाकई जब आप किसी चीज़ में मोटिवेटेड होते हैं तो वो काम जो है वो आपको बड़ा बोरिंग लगता है और वो काम बड़ा स्लो जा रहा होता है और जब आप और वहां पर आप टाइम को थोड़ा लॉन्गर परसीव करते हैं आप जज करते हैं उसको और जब आप बहुत मोटिवेटेड होते हैं आप उस काम में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आप टाइम को अंडरस्टिमेट करते हैं और टाइम को आप इस तरह परसीव करते हैं कि बहुत कम टाइम हुआ है और बहुत जल्दी जो है वो गुजर गया मतलब टाइम बहुत जल्दी गुजर गया हमारी जो परसेप्शन है वो चेंज हो जाती है, है इसके अलावा बाकी जो ड्रग्स हैं उसके खाने से भी हमारी जो टाइम की परसेप्शन होती है वो चेंज हो जाती है

थोड़ा टाइम इसका डिफरेंट है विरोधित ने इसके ऊपर काम किया था 1968 में और उन्होंने कहा था कि शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर ओवर ठीक वाई द लॉन्गर वन आर अंडर एस्टिमेटेड अब जो शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है उसको हम ओवर एस्टिमेट करते हैं और जो लॉन्गर डूरेशन ऑफ टाइम है उसको हम

टाइम थोड़ा बढ़ जाता है जैसे तो पिछले टेबल में भी हमने डिस्कस किया तो आपकी जो एक्यूरेसी है उसको परसीव करने के लिए तो वो जो है वो थोड़ी कम हो जाती है अब इनकी अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ टाइम इंटरवल्स इनकी जो सेइंग्स हैं वो ये हैं इसके बाद फिर नेक्स्ट है स्टिमुलस कैरेक्टरिस्टिक्स स्टिमुलस कैरेक्टरिस्टिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद नेचर ऑफ टाइम और अकॉर्डिंग दिस टाइम जो है हमारे पास कॉन्टीन्यूस भी हो सकता है डिसकॉन्टीन्यूस भी टाइम में भी फेल्ड और अनफेल्ड और वुडरूव 1928 नाइनटीन एट जिन्होंने अपनी जिनकी काफ़ी स्टडीज़ हैं उनकी स्टडीज़ में एक स्टडी ये भी थी कि जब हमारे पास एम टी टाइम इंटरवल होता है जीरो पॉइंट फाइव जीरो एंड जीरो पॉइंट सिक्स जीरो दिस इज नॉट या दे आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल यानी कि जिस तरह पिछले भी इन्होंने लेंथ ऑफ टाइम इंटरवल में बात की थी कि शॉर्टर टाइम इंटरवल जो हम इसको बहुत एक्यूरेटली परसीव करते हैं और लॉन्गर वाले को जो है वो इतना अच्छा नहीं कर पा रहे होते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने एम्प्टी इंटरवल्स पे काम किया था कि एम एम्प्टी इंटरवल्स ऑफ जीरो पॉइंट फाइव जीरो एंड जीरो पॉइंट सिक्स जीरो आर नॉट डिटिंग और फिल्ड टाइम इंटरवल जो है उसको हम यूजुअली अंडर एस्टिमेट करते हैं और अनफिल्ड टाइम इंटरवल जो होते हैं उसको जो फ्ड टाइम इंटरवल है देर यूजली टाइम इंटरवल फिर इसके कुछ मैथड्स हैं विच आर एम्प्लॉय फॉर स्टडी टाइम परसेप्शन या टेम्पोरल कुछ मैथड्स हैं जिसके जरिए हम टाइम परसेप्शन को हम स्टडी करते हैं या आ, ये कुछ मैथड्स हैं जिसमें एक है रिप्रोडक्शन मैथड एक है कंपेरिजन मैथड और एक है एस्टिमेशन मैथड रिप्रोडक्शन मेथड में क्या होता है कि सब्जेक्ट को टाइम इंटरवल दिया जाता है और फिर उनसे पूछा जाता है कि आप बताएं कि कितना टाइम हुआ है सब्जेक्ट्स आर रिप्रोड्यूस सब्जेक्ट्स आर रिप्रोड्यूस गिवन सब्जेक्ट्स रिप्रोड्यूस गिवन टाइम इंटरवल

यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल है वो खुद से टाइम देता है और जो सब्जेक्ट है वो उसको रिस्पॉन्स करता है कि बताता है वो टाइम को रिप्रोड्यूस करता है वो बताता है कि तकरीबन इतना टाइम हुआ है दिस इज द रिप्रोडक्शन मेथड फिर है कंपैरिजन मेथड

फिर एस्टिमेशन मेथड है, में क्या, है कि elapsed, uh, में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है वो टाइम की एस्टिमेशन करते हैं एस्टिमेट करता है कि टाइम जो है वो कितना हो चुके हैं बिटवीन द अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि एस्टिमेशन मेथड में डिफरेंट ट्राइल्स दिए जाते हैं डिफरेंट ट्रायल्स होते हैं जिसके बेस पे फिर उनसे पूछा जाता है अ के टाइम कितना हो ये टाइम की एस्टीमेशन जो है वो मालूम की जाती है तो ये थी आज की वीडियो अगर आपका कांसेप्ट क्लियर हुआ है तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं अगर कांसेप्ट क्लियर नहीं हुआ या कोई ऐसा पॉइंट था जो आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट इसके अलावा अगर आप चैनल पर न्यू हैं नए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी तो आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिलेगी इसके अलावा आप वीडियो के लिंक्स को चैनल के लिंक को अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग और तब तक, तक के लिए अल्लाफिज